नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के सेक्टर 13 मेन मार्केट से, जहां पर MLB क्लासेस के मैं बाहर खड़ी हुई हूं, लेकिन अब से कुछ देर बाद ऊपर भी जाऊंगी और ऊपर आज आपको उन बच्चों से मिलवाने जा रही हूं जिनके CBSE के 12th के फर्स्ट टर्म के रिजल्ट शानदार रहे। शानदार कुछ यूं रहे कि उनके फुल मार्क्स आए हैं। अब फुल मार्क्स लाने के पीछे जिनका हाथ है, उन कोचिंग एक्सपर्ट से आज मैं आपको मिलवाऊंगी जिनका करनाल के अंदर सबसे पुराना एक्सपीरियंस है। मैथ्स के वो कोचिंग एक्सपर्ट है, लगभग 30 सालों का उनका एक्सपर्ट है, लेकिन उस एक्सपर्टीज के पीछे किन टेक्निक्स को उन्होंने फॉलो किया कि आज उनके बच्चों ने वो महारत हासिल की, वो मुकाम हासिल किया कि आज उनके बच्चे अलग अलग जगह पर जाकर नाम कमा रहे हैं। और 12th में उन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं और आपको मिलवाते हैं MLB क्लासेस की आन बान और शान से। तो MLB क्लासेस जो कि मैथमेटिक्स में ट्रेन है, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए करनाल में मशहूर है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। लेकिन आप सबसे पहले नजर डालिए 12th के CBSE के जो लेटेस्ट टर्म 1 के रिजल्ट्स आए हैं उन पर। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको गायत्री का नाम दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 40 में से 40 स्कोर उसने हासिल किए हैं। हनी है, आर्नव है, आर्यन है, दीपक है, हर्ष है। 40 में से 40 स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर टर्म 1 के ये रिजल्ट्स हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टर्म 2 के जब एग्जाम होंगे उसमें क्या कुछ रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा हटके होता है, क्योंकि मैथ्स में रट्टा विकेशन नहीं चलता। आप रट्टा नहीं लगा सकते, आप बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उसे दिमाग में रट्टा लगा के उसको दिमाग में बिठा नहीं सकते, उसको आपको पढ़ना नहीं है, उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और MLB क्लासेस बहुत ज्यादा फेमस है आपके मैथ्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, जितने भी आपको डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब जाकर आपकी फोटो यहाँ पर आ पाती है। अब जिनकी फोटो आपने पीछे देखी, उन बच्चों से हम जुड़ते हैं, उन बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि टर्म 2 को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है और टर्म 1 के रिजल्ट से वो कितना ज्यादा खुश है। तो चलिए, बच्चों से मिलने का जो इंतजार आप कर रहे हैं उस इंतजार को अब मैं खत्म करती हूँ, चलती हूँ क्लासरूम के अंदर और आपको उन तमाम बच्चों से मिलवाती हूँ जिनका CBSE के 12th के बोर्ड में टर्म 1 में शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 40 बच्चों के बैच में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनके फुल स्कोर उन्होंने हासिल किए, यानी कि जिनके फुल मार्क्स आए। अपने आप में बड़ा ही शानदार रिजल्ट रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल का रिजल्ट है ये, जितने भी पिछले सालों का अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूं तो सभी सालों के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शानदार है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक बार मैं चाहूंगी आप प्लीज खड़े हो जाएं और खड़े होकर बताएं कि आपके टर्म 1 के रिजल्ट्स कितना शानदार रहा और कितनी तैयारी के साथ आपने एग्जाम दिए थे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज लेखन एंड आई एम फ्रॉम प्रेजेंटली आई एम स्टडीइंग क्लास 12th एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज सेक्शन। आई स्कोर्ड 38 मार्क्स इन मैथ्स इन टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड इट इज ऑल ड्यू टू द टायरिंग एफर्ट्स ऑफ मिस्टर हसीन सर एंड ही टीचर्स वेरी वेल एंड ही क्लियर्स एवरी कंसेप्ट इन डिटेल एंड PTMs आर ऑल्सो हेल्ड हेयर रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस। द स्टाफ इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव एंड लाइक he's a strict disciplinarian, he's very particular about the attendance and marks and proper record is also maintained of each and every student related to marks and attendance and I'm fully satisfied here and I'm very pleased. Term 2 ki kya kuch taiyari hai? Yes, sir is regularly taking doubts and like regular tests are also being organized here and he's supporting us fully. So I'm fully satisfied and matlab yehi hai ki like term 1 I'll be able to score well in term 2. तो यानी कि अब 38 स्कोर किया है तो फुल मार्क्स भी आ सकते हैं टर्म 2 में। मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ सब्जेक्ट मैंने जैसे पहले भी बताया कि बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन बोर्ड के रिजल्ट्स में एक एक सब्जेक्ट मैटर करता है। यानी कि अगर आपके मैथ्स में, कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चों के बाकी सब्जेक्ट्स में रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, मैथ्स में बच्चा वीक होता है जिसके कारण उसका सारा रिजल्ट खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन अब आपको मैथ्स के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है,
हैं, आप प्लीज एक बार खड़े हो जाएं और अपने बारे में बताएं और टर्म वन में आपका क्या कुछ रिजल्ट रहा और क्या कुछ बताना चाहेंगे सर के बारे में। हेलो, आई एम विभू एंड आई हैव बीन स्टडिंग हियर फ्रॉम लास्ट टू इयर्स। आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ टीचर लाइक भसीन सर। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिटरमिन्ड एंड वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। And sir's deep understanding and deep knowledge in his subject has helped me a lot. Like has cleared my concepts and made difficult concepts easier. So I am fully satisfied and this time I lagged behind, but yeah, I've been preparing very well and I know I will score better this time. Thank you. तो बिल्कुल इस बार भी इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए और अगली बार भी बहुत अच्छे इनके रिजल्ट आने वाले हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। व्हाट्स योर नेम, क्या कुछ बताना चाहेंगे और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन बच्चों ने फुल स्कोर किया है इस बार उनका सेशन कोरोना काल में रहा, यानी कि बीते जो मैं 2 सालों की बात करूं कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की और ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इतनी अच्छी स्कोरिंग, ओ माय गॉड, बहुत बेहतरीन आपने काम किया। आपका क्या कुछ रिजल्ट रहा है इस बार, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में? I am Gayatri and have scored 40 marks in mathematics. I have been studying here since last 2 years and I am taking online classes. And sir has made all the concepts clear very well to us. He takes doubt session every week. The tests that are conducted weekly help us to make the concepts more clear and makes the understanding of concepts very easy for us. तो अभी मैथ्स में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है? अभी तक तो नहीं है एंड होपफुली आगे भी कभी नहीं होगी, बिकॉज सर की कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है और हमारे ऊपर आगे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इम्पैक्ट बहुत अच्छा जा रहा है और जिस तरीके से सर मैथ्स को पढ़ाते हैं मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट रहता होगा, क्योंकि बच्चों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, जिनके बारे में बच्चे लगातार बात कर रहे हैं, महेश भसीन सर, जिनका 30 साल का मैथ्स का एक्सपीरियंस है, 30 साल का मैथ्स का वो एक्सपीरियंस है जिसमें ना सिर्फ इन्होंने मैथ्स पढ़ाया है बल्कि रिजल्ट्स भी हमेशा बच्चे शानदार लेकर आए हैं। सर आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी के मैथ्स में बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू कि आपके हर साल रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ज्यादा शानदार रहते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे MLB क्लासेस के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर फोकस करता है ताकि बच्चों को मैथ्स में कभी कोई दिक्कत ना आए? थैंक यू। बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसमें बच्चों का पूरा कोऑपरेशन है, उनकी पूरी मेहनत है, क्योंकि इट इज नॉट दैट वन साइडेड, ऑलवेज कॉपरेशन, इन बच्चों ने पूरा कॉपरेट किया है। और अब मैं इनको सेकेंड टर्म के लिए सबसे पहले विश करता हूं कि ये और भी बहुत अच्छे से रिजल्ट लें और आगे मैथमेटिक्स में फ्यूचर में जब भी सब्जेक्ट के साथ काम करेंगे ये हमेशा ये फील करेंगे कि ये मैथमेटिक्स को जानते हैं, मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने मैथ्स को बहुत अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है, क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट नॉट दैट क्रैमिंग, इट इज अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि इनको ये सब्जेक्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया जाए। हर स्ट्रीम का बच्चा, आर्ट्स का, कॉमर्स का, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जिसने मैथ्स लिया है वो मैथ्स को यहाँ ज्वाइन कर सकता है। अब मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने टिल ग्रेजुएशन 100% स्कोर किया है। क्या बात है, एक बार मुझे लगता है सर के लिए भी तालियां। सर एक बात आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोचिंग सेंटर्स की मैं बात करूं, करनाल में बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग कोचिंग सेंटर है, लेकिन MLP क्लासेस में वो क्या खास बात है, क्योंकि मैं बाकी कोचिंग सेंटर्स की बात करूं हर एक सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाया जाता है लेकिन यहां सिर्फ मैथ्स पर फोकस दिया जाता है, ऐसा क्यों? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो इट्स अ डिफरेंट, जैसे आपने भी पहले कहा जी, और सबसे बड़ी बात है कि MLP क्लासेस में डिसिप्लिन है जिसमें बच्चा उस सिस्टम में ढल जाता है और फिर 100% रिजल्ट को प्रूव करता है। दैट इज मेन थिंग इन MLP क्लासेस कि चाहे इन बच्चों को पहले जैसा भी फील हो, ये अच्छे से सोचते भी होंगे लेकिन बाद में ये थैंक्स बोलते हैं कि सर वाकई इन फैक्टर्स की वजह से हमने अपने आप को प्रूव किया।
तो यहाँ पर मैं एक बच्चे की स्माइल बहुत अच्छी देख पा रही हूँ, आपकी स्माइल का कारण क्या है? बस यही कि मैम सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मतलब सर अच्छा बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं सब, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है सर। आप भी कुछ बता दो फिर। बस मैम यही कि सर ने बहुत मेहनत की है हम पे। आपने भी की? जी मैम हमने भी की। सर हमको ये बोलते हैं घर पे जाके सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए, जो मैं पढ़ाता हूँ वो रेगुलर करो तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब लगता है कभी कोई दिक्कत आएगी? नो मैम, जितना अभी तक सर ने पढ़ाया उसमें तो आई डोंट थिंक सो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जितना सर ने पढ़ाया है उसमें तो हमें कभी कोई दिक्कत आने नहीं वाली, कहीं और जाएंगे तो शायद कोई और नई दिक्कत आ जाए, लेकिन यहाँ पर जब तक हम MLP क्लासेस में हैं तब तक बच्चों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं चाहूंगी कैमरा जरा बच्चों की तरफ कर दिया जाए, आप सभी से एक साथ पूछना चाहूंगी MLP क्लासेस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और कितना ज्यादा प्रभावित है यहाँ पर जब से आपने कोचिंग लेनी स्टार्ट की है, या तो आप तालियों के माध्यम से बता दीजिए या फिर कुछ बोल के बता दीजिए। यहाँ पर कोचिंग लेनी शुरू की है, हर कोई यहाँ से बहुत ज्यादा प्रभावित है और शायद बाकी बच्चों को भी यही रेकमेंड करता होगा कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आपको करनाल में अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके MLP क्लासेस में आ सकते हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बार आगे भी दिखा दीजिए, कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कुछ और खास है वो हमें जरूर बताइए। सामने आप देख सकते हैं एक सेमिनार हॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर कंप्यूटर लैब है, सर कंप्यूटर लैब है इस टाइम, ऑनलाइन टेस्टिंग, ये कंप्यूटर लैब है, इसमें जो बच्चे JEE की तैयारी करते हैं वो यहाँ पे वीकली ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। नॉर्मली दूसरे सेंटर्स का मेथड है कि घर में आप अपने लैपटॉप पे अपने मोबाइल पे पेपर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन ऐसा है कि बच्चा सेंटर पे आके इस लैब में ही पेपर देगा। सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैं बात करें, एक बार चलते हुए बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किन किन एग्जाम पर MLB क्लासेस फोकस कर रहा है और मैथ्स के अलावा भी और कोई ऐसा सब्जेक्ट है? सर नहीं, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, चाहे आपको JEE मेन या JEE एडवांस की तैयारी की मैथ्स की तैयारी अगर करनी है तो आप यहाँ आके ज्वाइन कीजिए और आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी, आई गारंटी फॉर दैट, हमेशा सक्सेस मिलेगी। शानदार क्लासरूम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बढ़िया क्लासरूम है, बढ़िया एनवायरमेंट में आपका बच्चा पढ़ सकता है। लाइब्रेरी एरिया आप जरा देख लीजिए, लाइब्रेरी एरिया है जहाँ पर बच्चा अपनी बुक्स ले सकता है फर्दर स्टडीज के लिए, हार्ड स्टडीज के लिए भी आप यहाँ पर अच्छी एक स्टडी आप लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि MLB क्लासेस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर फोकस कर रहा है ताकि मैथ्स के रिजल्ट हमेशा शानदार रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा खुद को वीक महसूस करता है, बच्चा खुद को डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन अब शायद बच्चे को डरने की जरूरत है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे को लाइफ जब यहाँ पे आएगा क्लासेस लेगा उसको अपने आप ये फील होगा कि नाउ द सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और यही किसी भी टीचर की खास बात ये होती है कि किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल से आसान बना देना और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करवाना। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ में, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।